अच्छे है जी। ओम बन्ना का टेम्पल बुलेट वाले बाबा के नाम से जो फेमस है। कुंभलगढ़ की राइड करते हुए हम आगे थे परशुराम महादेव टेम्पल है, ये कल्प वृक्ष है, जैसे इससे हमारी मांगी हुई मन्नतें सारी पूरी हो जाती है। घुमाने वाला जो घूमता है पानी के लिए वो चक्रे वाला भी लगा हुआ है। चलने लगे हैं होटल पे तो वे 9 बजे अपलोडिंग में टाइम लग गया, क्योंकि 8 बजे बैठो तैयार होते मुझे था कि बस मैं निकल पड़ूँ 8 बजे, क्योंकि आज राइड तो ज़्यादा लंबी नहीं है पर घूमना वही ज़्यादा है। कुंभलगढ़ वाली रोड है वो सब, इसलिए मैं पर वो डाटा ही नहीं वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी। अभी मैंने HD पे अपलोड की है, HD तक अगर पहुँच गया तो HD हो जाएगी, वरना ब्लॉग तो आ ही जाएगा बाद में। HD उदयपुर पहुँच के हो जाएगी हाई डेफिनेशन पे, तो भी उसमें 1 घंटा लग गया अपलोड करने में। रात की रही हो ही नहीं, रात में सुबह फिर रिसेप्शन थे फास्ट वाले में बैठ के फिर भी 1 घंटा लग गया कि आज इलेक्शन है उसके चक्कर में यहाँ पे इंटरनेट स्लो हो गया। तो बस निकल पड़े हैं 9 बजे पूरे जोधपुर से उदयपुर के लिए, है तो 250 किलोमीटर ही है। फिर मैं फिर कुंभलगढ़ वाली रोड पे भी ड्राइव करना चाह रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा तो वो 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अब हम बढ़ चले सीधा उदयपुर की तरफ। अब रास्ते में रुकेंगे ओम बन्ना बुलेट बाबा के टेम्पल पर, जहाँ पे आपने वीडियो में देखा होगा, वहाँ से ही जाना था। और मेरे ऑप्शन वाले ने भी क्या कह दी, अगर जा रहे हो उदयपुर तो वो वहाँ पे वाले तो ऐसा मत करना, होती मान्यता है, वरना कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो रुक के जाना, चाहे अंदर मत जाना, हॉर्न मार के जाना। और वैसे मुझे ये तो पता था है, पर ये नहीं पता था कि रोड के ऊपर ही है। और पाली भी से मुझे जाना है, हाईवे पाली से जाता है, तो एक ब्लॉग वो भी हो जाएगा। ये कोई ढाबा आ गया, मैंने कहा ये ढाबे पे खा ही लेते हैं, फिर आ ही गया तो है भी लिखा भी पंजाबी हुआ है कर्नाटक ढाबा, तो देख लेते हैं अगर है तो कुछ। वो जी ये पीछे रुके थे, मैं तो वो नाम देख के रुक गया कि पंजाबी, पर वो पंजाबी तो दिल्ली के हैं और अच्छी जान से अच्छे लोग हैं। काफ़ी जान पहचान हो गई है, सारे लड़कों ने भी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है और खूब खातिरदारी हो रही है, उनको भी अच्छा लगा। और बाकी ओनर जो है वो भी मेरी तरह ये एज है पर सिंगल है, वो करे बढ़िया। मैं भी आपकी तरह ट्रैवल करता रहता हूँ बीच बीच में, और ये सारा उन्हीं की प्रॉपर्टी दिल्ली से है। और अभी पी रहे हैं चाय, पराठा खा लिया है, बस यहाँ से निकलेंगे। अब ओम बन्ना बुलेट बाबा का टेम्पल है, वो सिर्फ 6-7 किलोमीटर है, वहाँ से निकलेंगे और सीधा पहले जाएंगे सायरा, और वहाँ से फिर निकलेंगे उसके लिए कुंभलगढ़ की रोड पे एंजॉय करके फिर जाएंगे। तो अभी बस चल रहे हैं यहाँ से वापस। ब्रेकफास्ट करके ओम बन्ना टेम्पल 5 किलोमीटर ही है। और अच्छे लोग थे, ट्रैवलिंग में ऐसे होता है बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं, ख़राब भी मिलते हैं, एक्सपीरियंस ख़राब भी रहे हैं मेरे राजस्थान राइड में भी। देखिए बढ़िया लोग थे, इतने लोगों ने इनके जापे वाले थे, इतने वेटर शेफ़ वगैरह किए, उन्हें सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल और ऑनर ने खुद भी किया। तो बस हम निकल पड़े, परे जा रहे हैं ओम बन्ना टेम्पल, और इसके बाद सिर्फ जो उदयपुर 200 किलोमीटर रह जाएगा 4 घंटे, पर मैं 2 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि मैं जाऊँगा कुंभलगढ़ रोड पर और वो ट्रैवल करेंगे ऊपर रोड की राइड मारेंगे। और अगर वहाँ से परशुराम टेम्पल की, भगवान परशुराम की जगह जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को, करण को या अर्जुन को, वहाँ पर जगह जगह मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, करण या अर्जुन को शिक्षा दी थी, वो भी स्थान उनका तप स्थान है। तो परशुराम भगवान जाएंगे टेम्पल, अगर वो गुफा में ज़्यादा टाइम लगता हुआ तो फिर मैं सिर्फ टेम्पल तक ही जाऊँगा, गुफा नहीं जा पाऊँगा। वरना अगर ठीक टाइम पे हुआ और ज़्यादा 2 किलोमीटर की ज़्यादा ना हुई तो फिर मैं गुफा भी करता रहूँगा। ये आ गया जी ओम बन्ना का टेम्पल, पहले इधर ही जा रहे हैं, वाइप वाइप पर ही करते हैं, इधर ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद निकलेंगे आगे, टाइल तो थोड़े लगाएंगे कि हाईवे के ऊपर ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल हाईवे है, और हाईवे से बिल्कुल आगे कट बना हुआ है, हाईवे से नस लेते हाईवे के ऊपर ही है। तो पीछे है जी ओम बन्ना का टेम्पल बुलेट वाले बाबा के नाम से जो फेमस है। तो स्टोरी ये है कि 1988 में ये आ रहे थे अपने ससुराल से वापस अपने घर, तो इनका यहाँ पर रास्ते में एक पेड़ से टकराने से एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद फिर इनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस ने जब उनके बुलेट को, बॉडी के बाद बुलेट को ले गई थी थाने, जब अड़ा रखा, लेकिन बुलेट रात को यहीं पर आ गई थी चल के वापस। तो अगले दिन ढूंढा गया तो वापस बुलेट मिली और फिर उसको ले गया। ऐसा 3-4 बार हुआ। चौथी बार पुलिस ने उसको संगलियों से बांध कर खड़ा किया थाने में, लेकिन फिर वो बुलेट अपने आप स्टार्ट होकर सबके सामने यहीं पर आकर बन गई। तो तब से मान्यता बढ़ गई कि ओम बन्ना अभी भी लोगों को यहाँ पर अपना परिचय देते हैं, इतिहास देते हैं और वो अभी भी उनकी आत्मा यहीं पर है। तो भाई यहाँ पर वही बाइक जो है यहाँ पर खड़ी है, उसकी पूजा होती है और लोगों में अब ये विश्वास है कि आने जाने वालों की रक्षा भी करते हैं। अगर आप यहाँ ना रुके तो आपके साथ कुछ मसायब भी हो सकता है। अब जो भी आप जैसे भी माने, और मैं तो वैसे भी राइड कर रहा था तो व्लॉग से शूट करना ही था और मैं भी बुलेट ही राइड कर रहा हूँ। तो अब बस चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये थे ओम बन्ना पोर्ट में, ये बुलेट अब से यहीं खड़ी है 1988 से। माना ये जाता है कि लोगों को आज भी उनका यहाँ पर एहसास होता है, तो ये परिचय इसलिए काफ़ी मान्यता इसकी। और चलते हैं आगे। चल पड़े आप ओम बन्ना के कैंपन से उदयपुर की तरफ, और उदयपुर है सिर्फ 198। ज़्यादा बड़ा टेम्पल तो नहीं है, टेम्पल तो छोटा सा ही है, वो हाईवे के ऊपर ही है। मुझे होटल वाले ने तो कहा था, वो होटल वाले के चाहे नहीं भी रुक रहा हो तो वहाँ पर रोक कर सिर्फ आरन बजा कर निकल जाना, वरना आपकी हाजिरी लग गई, एंट्रेंस होगी। और मैंने कब आए तो शूट भी करने थे, क्योंकि वन ऑफ द काइंड इंडिया में इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पर बुलेट की पूजा होती है। उनकी आत्मा के कहते हैं लोगों को आज भी सीट करवाती है अपना, तो लोगों की बुरातें भी पूरी होती हैं। बाकी मैंने शूट करनी है, आपको दिखा दिया, आप यहाँ से निकल रहे तो आप भी आ सकते हैं। ये हम ले रहे यहाँ से लेफ्ट पाली के आउटर से, और हमने नेशनल हाईवे छोड़ दिया और अब हमने स्टेट हाईवे 67 एरिया, राजस्थान स्टेट हाईवे 67, और उदयपुर यहाँ पे रह गया 193। इतने टॉप से 193 है, बाकी मेरे मैप के हिसाब से तो 170 कुछ है। ये बस अब हम उदयपुर की तरफ चल पड़े हैं, हमने क्वालिटी ले लिया है। अब जाएगा सीधा, पहले सायरा बहुत एक कुंभलगढ़ वाली रोड पे राइड करेंगे। चले हुए बुलेट बाबा के मंदिर से ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले थे। 100 किलोमीटर के करीब मैंने कर लिया। तो मुझे 2-3 फ़ोन भी करने थे, तो मैंने कहा रेस्ट भी लेते हैं क्योंकि 2.25 घंटे हो गए। तो अब बस यहाँ से निकलेंगे और 100 किलोमीटर के बाद मैं सायरा से मुड़ जाऊँगा कुंभलगढ़ के लिए, वो रोड कर कर आएँगे, फिर जाएँगे उदयपुर। पीछे सारे में पहाड़ हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हम उदयपुर पहुँचने वाले हैं। और आगे माउंट अबू तो पहाड़ों पर, कुंभलगढ़ सारा पहाड़ी एरिया है। कुंभलगढ़ खुद सबसे ऊँची चोटी पर उसके एरिए के ऊपर बना हुआ है। तो ये अब बस ट्रेन चेंज हो गया है, खराब हो चुकी है, रोड पूरी ख़राब है। पर ये कि इतने दिनों से कह रहे थे कि राजस्थान के इंटरनल गाँव के अंदरों से जाएंगे, पर इसीलिए सभी ने मना किया था। आप रोड देखते हो, सबने कहा था जी रोड है वो गवर्नमेंट अच्छे से मेंटेन नहीं करवाती, तो गाँव वालों को कहीं की अपने आस पास तो वो रहती है, वरना बहुत हालत ख़राब है। हाईवे बढ़िया है, तो इतने दिनों भी हाईवे चल रहे थे। और आज मैंने जाना भी सायरा से था, वरना हाईवे तो आपको पूरा हाईवे मेन थोड़ा 6 लेन हाईवे लेके जाता उदयपुर, और नाथ वाला होकर लेके जाता। वो कल तेल वाले ब्लॉग में दिखाऊँगा आपको सारा मैंने जो कवर किया था उदयपुर के सराउंडिंग। ये जी पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुमा रहा है मैप। उधर ये छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे गांवों में, ये पता नहीं सादड़ी आ गया, सादड़ी करके कोई छोटा सा गांव आया है, ये भी आप देख लीजिए। और उसके अंदर से कई गलियों से लेके जा रहा है मैप। एक गूगल का भी कुछ पता नहीं लगता कहाँ पे घुसा दिया इसने, गूगल के आसरे हैं यहाँ। देखिए ये देखते जी दूर आपको पहाड़, ऊंचे पहाड़ दिख रहे बिल्कुल हिमाचल की तरह, पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। और देखिए पीछे सब तरफ, जैसा हिमाचल में एंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ दिखने शुरू हो जाते हैं यहाँ शहर से पीछे। यहाँ भी देखिए, और छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, क्योंकि ये पीछे बाउंड्री सारी माउंट आबू की लगती है और उधर से आप गुजरात घुस जाते हैं। तो बस हम हाईवे पर आ गए हैं, जो सायरा से जहाँ से कुंभलगढ़ करीब मोड़ना है वो 25 किलोमीटर रह गया है ना। और मौसम भी थोड़ा ठंडा सा हो गया यहाँ पर आकर, क्योंकि आपका चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हो गए। हिली एरिया है उदयपुर में, पता नहीं ठंडी होता है क्या नहीं, पर ये हिली एरिया आप देखेंगे। और जब हम कुंभलगढ़ की तरफ जाएंगे वो भी पूरा आइए रौनक, ये देखिए पूरा मौसम। और पेड़ भी इतने हो गए घड़े यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हरियाली है, ये एरिया काफ़ी हरियाली वाला है रौनक। अब हम जा रहे हैं सायरा की तरफ। ये भी आ गया, ये नगरब थीड़ा यहाँ पर हिमाचल में है। वह राजस्थान जितने रात देखा हुई एरिया है, इस टाइम ये वेबसाइट ये राजस्थान आप जैसे चारों तरफ पहाड़ों से गिरती है, इतनी हरियाली है, क्या जानदार एरिया है जिसकी जानदार एक रोज बिल्कुल। ये एरिया तो मैंने नहीं देखा था पहले, सायरा पे चीपन पर वाला देखा था वो, और नहीं फुटिया था। पर ये थे नगरब हिमाचल में थी पूरा में वाटर की दूसरी हिसाब में जा रहा हूँ, देखिए है हमारे चारों तरफ पहाड़ आ गया। हाँ इधर आगे मौसम भी है, धूप रोगी नहीं है, ऊपर धूप भी है, नीला आसमान दिख रहा है, क्या ही फिर से सुन हो रहा है, क्या ही शानदार बज रहा है, इतनी हरियाली है। वो भी आप देख सकते हो रहे दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और फीचर भी सारे दूर पेड़ ही थे सर। की पहाड़ियाँ है जो चल रही है पूरी, आपको पहाड़ी रेंज नहीं, रावली रेंज है जो यहाँ गुजरात और इसके बीच में आती है राजस्थान के बॉर्डर पर। ये सारी रावली रेंज हमारी चारों तरफ दिख रही, जो आपको रावली है। और देखिए रूट तो बड़ा प्यारा है, बाकी रूट आपको नया दिखाएंगे आगे। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारा जो जंगल है ये भी कुंभलगढ़ वाला ही है। मैं आपको तकलीफ टाल दूंगा या अपने नेक्स्ट व्लॉग में देख लीजिए। वैसे बात वाला कुंभलगढ़ के आसपास सारा जंगल है, वो सारा नेचर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट है ये कंजर्वेशन में आया हुआ है, सारा जंगल ही है, और ये कुंभलगढ़ वाला कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट है। तो सारा आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ में पूरी पहाड़ की चोटी पर है, वहीं लेके जा रहे हैं आपको, चढ़ते पहाड़ों पर आगे। अगर आपको माउंट आबू कहीं करने जा रहा है, उससे अच्छे पहाड़ यहाँ पे देख लिए, उससे ज़्यादा नेचर है। और देखिए लंगूर बहुत है इस साइड, सारे लंगूर बैठन के बच्चे, और पूरा हाइट चढ़ के है, पूरी स्टीप हाइट है यार, डाउन है पूरा स्टीप। बहुत ज़बरदस्त नज़ारेदार जगह है, मज़ा आ गया। अब कुंभलगढ़ अगर यहाँ से कहीं से दिख जाए तो बढ़िया है, और स्पेशल ऐसा रूट तो देख ही लिया है, और कुंभलगढ़ उसके लिए कुंभलगढ़ जाना पड़ेगा, स्पेशली पिक्चर के लिए कुंभलगढ़ जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक का भाई है तो बाइक हर जगह हुई है, मिंगला वगैरह सब जगह फोटो हो गई है। तो एक यहाँ पर ले ली जाए कुंभलगढ़ के उधर से व्यू दिख जाए, ऐसा ही उस तरफ भी आने वाला है। तो वैसे तो इधर ही आ गया है, पहाड़ बीच में खेत खुला एरिया है, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। कुंभलगढ़ की साइड भी ऐसा ही आएगा। अब मैं चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन एक कुंभलगढ़ के फोटो के पीछे बैकग्राउंड में कुंभलगढ़ के वो फोटो लेने के लिए अब जाना ही पड़ेगा। तो मैं एक मंदिर भी मुझे तो एक मंदिर भी अगर हो सका तो मंदिर भी कर लें, क्योंकि तो वो भगवान परशुराम के स्थल है। तो देखते हैं वरना ये सारा वैसे ही रहता है, ये भी वो तो हम वही रहे कुंभलगढ़ की कंजर्वेशन से हाइटी में घूम रहे हैं, ये रिजर्व है सारा कुंभलगढ़ रिजर्व है सारा। उसी में घूम रहे, उसी के आसपास हमें और तीसरा रूट होगा। वो रूट तो मैं बस से गया था, ये किसी से आई किसी और तरफ से थी, तो दो रूट देखते हुए थे ये तीसरा रूट होगा। पर बस खैर अब आ रही वाला है सारा, तो वहाँ से फिर देख लेते हैं जहाँ से कुंभलगढ़ दिख जाएगा वहाँ से वापस हो जाएंगे। बाकी कुंभलगढ़ आपको सारा कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, देख लो। और हाँ हाँ चलो, थैंक यू थैंक यू। ये मेन चौक है सायरा का, आप देख रहे हैं सामने। यहाँ से आप राइट लेता मैं तो मैं चले उदयपुर के लिए चले जाऊँगा, 80 किलोमीटर है 75 to 80, और लेफ्ट लेके जाएंगे कुंभलगढ़ के लिए। तो आप चल रहे हैं कुंभलगढ़ से, ये छोटी बसें जाती है, अगर आप आए तो ये ऐसे छोटी बसें जाती है कुंभलगढ़ के लिए। तो मैं भी अब चल पड़ा हूँ कुंभलगढ़। दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड़, खेती हो रखी है, हरियाली, खेत भी, खुला एरिया आ जाता है, खेती दिखती है। ये देखिए जैसे क्या शानदार लग रहा है। वो देखिए दूर पीछे पहाड़ है, क्या शानदार ब्यूटीफुल रोड। और राइड करने का मजा, मैं यहाँ पे बस से आया था, लोकल बस चलती है। लेकिन आप उदयपुर से, अगर आप उदयपुर से आना चाहते हैं तो पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि वहाँ से जो बस चलती है वो 90 किलोमीटर के 3 घंटे रहती है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, मतलब 2 से 2.5 घंटे वो रहती है। उसके बाद आपको यहाँ से बसें चलती है, तो हर 1 घंटे में 1 बस है, तो आपको वेट भी करनी पड़ सकती है। वो 1 घंटा बाद चलेगी, और वो बस जो है 40 किलोमीटर को पूरा करने में 1.5 से 2 घंटे लेती है, और 2-3 घंटे आप कुंभलगढ़ में लगाएंगे। तो सारा दिन आपका, मैंने सुबह 9 बजे पकड़ी थी बस से उदयपुर से, मैं रात को 9 बजे पहुँचा था जाकर। लास्ट बस मेरे को यहाँ से मिलती 4 बजे वाली, तो ये से थोड़ी आगे पीछे नहीं रहती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर बहुत स्लो है वो, पर आप रोज, मैंने तो रोज देखता, मैंने कहा यार राइड तो जरूर करूँगा एक बार। और लीजिए मार्च में आया था, 6-7 महीनों बाद फिर से आ गया हूँ, 8 महीनों बाद, पूरे 8 महीने हो गए। क्या शानदार एरिया लग रहा है, देखिए हर तरफ क्या ही कंट्रास्ट आ रहा होगा इस टाइम। देखिए कितना है वो, पिछला वो भी आप जाकर देख सकते हैं मेरा। और क्या तो वो राजस्थान 2023 होगा, ये तो पूरा सर्किट राइड है। पर क्या, और उसी में मेरे को पता लगा था कि यहाँ पर परशुराम जी की तपस्थल है, जहाँ पर उन्होंने करण को विद्या दी थी, वो जगह भी है, वो उनका तपस्थल भी है। पहाड़ों के बीच में तारी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि है तो ये रेगिस्तान ही है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं आम वाम के पेड़ भी लगे हुए हैं कितने। ये पूरी बड़ी झील है, उधर से आ रही है दूर से, और काफ़ी फैली हुई है। तालाब है झील के, ये तालाब की ये, क्योंकि इसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। पर देखिए आप कितने सुंदर लग रही है कि आम के पेड़, यहाँ पर काफ़ी पानी स्टोर किया जाता है, और हरियाली भी बहुत है, क्योंकि ये पहाड़ी से एरिया है। चारों तरफ आप देखिए क्या ही बड़ा, बीच में कितने कम ट्रैफिक है ही नहीं। उधर आप देखिए सब तरफ क्या कंट्रास्ट आ रहा है, ब्राउन पहाड़ियाँ, ग्रीन ग्रीन खेत, पतली से सड़क बीच में निकल रही है, बिल्कुल शांत सा एरिया है, बहुत ही शानदार जी। मेरे को तभी देखकर बस में लगा था कि ये रोड पे राइड तो बनती है, और आज कर ली है, पूरे 9 महीनों बाद आज कर लिए। तो देखिए क्या आपको लग रहा, पता लगेगा क्या शानदार है। अगर आप राइडर है तो आपको पता लगेगा, राइडर है या नेचर लवर है तो आपको पता लगेगा क्या ही शानदार जगह है। और मैं ढूंढने ही नहीं, छोटी मेरी बसें चलती है यहाँ पर, और ये इसमें भेड़ बकरी सब उसी में जाती है, क्योंकि गाँव की सर्विस तो है नहीं, छोटी छोटी बसें चलती है, वो भी 1-1 घंटे में, तो सब उसी में जाता है। बाकी इस रोड पे कुंभलगढ़ तो ये रोज ही रिजॉर्ट मिलेंगे आपको, इतने रिजॉर्ट है भर भर के रोज, आपको कैंपिंग वगैरह भी, और उधर सफारी पे भी लेके जाते हैं। आप देखेंगे इतने ही रिजॉर्ट है यहाँ पर, और है रिजॉर्ट वाली जगह में शानदार जगह है। बोले नेचर को रिजॉर्ट बने रहे, नेचर को प्रिजर्व रखे, फिर तो ये शानदार जगह है। ऐसे रिजॉर्ट में रुकने का वजह भी आप शानदार इतने मेनू हो। परशुराम मंदिर महादेव मंदिर जाने का रास्ता। तो अब यहाँ चलते हैं फिर देखते हैं जी। तो कुंभलगढ़ की राइड करते हुए हम आगे थे परशुराम महादेव टेम्पल, ये उसका चौराहा है। एक इधर मंदिर है जिस पर कहते हैं कल्पवृक्ष है, सारी मन्नतें पूरी होती है। और ये इधर से जा रहा है रास्ता, ये ऊपर जाता है 1.5 किलोमीटर। मेरा पहले तो था कि मैंने कहा अगर मंदिर हुआ, पर मंदिर भी वहीं बना हुआ है, 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 1-1.5 घंटा आ गया आने जाने में। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 4-3.5 हो गए हैं। तो मैं सिर्फ इसी में लगाऊँगा भाई 1.5 घंटा, तो मेरे को 4:30-5 बज जाएंगे। और फिर यहाँ से अभी सायरा जाने में लगेगा आधे से पौना घंटा, तो 5 बज जाएंगे। और फिर उसके बाद 1-2 घंटे लगे कहते हैं उदयपुर पहुँचने में लगेगा 90 किलोमीटर है। तो इसलिए जैसे भगवान परशुराम की इच्छा, आज तो नहीं जा पा रही, फिर कभी प्लान करेंगे। वह सुबह लेट हो गया, वरना 1 घंटा पहले होता तो जा ही सकता था। अभी चलते हैं यहाँ से सब देखते हैं। उससे ये कल्पवृक्ष है, कहते हैं इससे हमारी मांगी हुई मन्नतें सारी पूरी हो जाती हैं। तो आप भी मांग सकते हो कुछ। ये देखिए ऊपर से ऐसे ही यहाँ भी लोगों ने जाके बारंग हुए, तो आप भी बिलीव करते तो आप भी मांग सकते हैं। अब चलते हैं वापसी की राइड करेंगे सायरा और फिर वहाँ से पहुँचेंगे सीधा उदयपुर अपने हॉस्टल में। यहाँ के सबसे ऊंची चोटी पर आ चुके हैं। इससे जो ऊंची चोटी है आप देखेंगे वो सामने एक दिख रही है, और एक कुंभलगढ़ की जो है, कुंभलगढ़ यहाँ से 6 किलोमीटर है। अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है, 6 किलोमीटर है यहाँ से, पर हम काफ़ी ऊंची चोटी पर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं सायरा की तरफ। यहाँ से टोटल उदयपुर है 90, 10-15-20 किलोमीटर सायरा, और वहाँ से 75-80 किलोमीटर उदयपुर। तो चलिए मैंने कहा आपको दिखाना, आप देख ही लेते हैं। पूर्व वाला है वो राइड करने की पूरा खूबसूरत जगह है। ऐसे लगता है आप टी गार्डन के बीच में से घूम रहे हैं। झाड़ियाँ ऐसी हैं कि टी गार्डन में राइड कर रहे हैं। क्या शानदार झाड़ियाँ देखिए, और खूबसूरत पहाड़ आस पास, बीच बीच में खेती भी हो रही है, छोटे छोटे गांव भी आ जाते हैं। देखिए और रोड बिल्कुल स्टीप अप डाउन पे है। यहाँ पे बिल्कुल स्टीप अप है, यहाँ बिल्कुल स्टीप डाउन है। देखिए पूरी स्टीप नीचे को आ गई, और बिल्कुल पतली सी सड़क है। एक गाड़ी आ जाए तो आपको बाइक बिल्कुल कोने भी कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी तो निकलती नहीं। ये देखिए क्या खूबसूरत वैली है। और अब मेरे को थोड़ा ब्रेक भी कसनी पड़ेगी क्योंकि नहीं डलवा कर लाया था जब चला था राइड पर, तो 2000 किलोमीटर चल पड़ी है। उसके बाद थोड़ा ये आगे इसमें स्टीप इंक्लाइन डिक्लाइन है, तो पूरा ब्रेक को भी जो लगता है ब्रेक घस चुकी है। अब खोरी कसनी पड़ेगी, अभी तक वही चल रही थी जो मैं डलवा कर और कसा कर लाया था, अभी तक वही थी। अब कहीं रुकते हैं उसको कहते हैं कि बिल्कुल स्टीप डिक्लाइन आ रही है, अब सायरा तक पूरा डाउन हिल जाना है। तो कहीं रुककर अच्छी सी जगह पे वहाँ पे थोड़ा नेचर का भी मज़ा लेंगे और ब्रेक को भी कस लेंगे। कसने का टाइम आ गया क्योंकि पूरी स्टीप थी, इंक्लाइन डिक्लाइन चल रही है, और वैसे भी जब से डलवा कर लाया हूँ यही चल रही है। अब थोड़ी कसनी पड़ेगी क्योंकि 2000 किलोमीटर प्लस हो चुके हैं, अभी और चलाने हैं। अब थोड़ी कस ली है, अब सही चलेगी। रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये पूरी इंक्लाइन डिक्लाइन है, और आपको इतना आना चाहिए अपना सब कुछ करना बाइक अगर आप राइड करते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल है। एक आधा पॉइंट और कसूँगा। टूल्स भी साथ में रखने ज़रूरी है राइडर के लिए। ये देखिए पुराना जो कुआं बना हुआ है, उसको लगाकर बैल लगाकर घुमाने वाला जो घूमता है पानी के लिए, वो चक्करे वाला भी लगा हुआ है। और ये खेत है घाटी में, क्या शानदार जगह है, अब देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसी के लिए मैं आया था यहाँ पर। राजस्थान में ये देखने को मिल रहा है ये सब, और तो क्या ही होगा। ये देखिए ये वो वाला कुआं है बाल्टियों वाला, वो नीचे पानी है, जाता है पूरी बाल्टी, पानी अभी भी भरा हुआ है, और घूमता है और इसमें फेंकता है, इससे फिर इधर जाता है या फिर ये वाला चलाते हैं। ये पूरा वो ही चल रहा है। अब हम घूम कर जाएंगे आगे चलिए चलते हैं। बादल छा रहे हैं तो यहाँ पर पता नहीं कब सनसेट है गए, तो आप देख सकते हैं इधर सनसेट हो रहा है। आज का जो सनसेट है उदयपुर राइट के नाम राइडिंग नहीं है तो राइट पर ही सनसेट होते हैं। आपको मैं रोज ही बता रहा हूँ और मेरा वैसे भी रोज ही हो रहा है। जिस दिन मैं किसी शहर घूमते तब नहीं होता। अब कल शायद ना हो, पुष्कर में हम जल्दी पहुँच गए तो कल पुष्कर का मेन पॉइंट से होगा सनसेट और आज का सनसेट उदयपुर राइट का नाम। तो हम स्टेट हाईवे को चढ़ गए NH 27 पर। ये नेशनल हाईवे 27 हाईवे सीधा उदयपुर जा रहा है। अगर मैं कुंभलगढ़ ना डालता और सीधा ही डालता कि मुझे उदयपुर आना, तो नेशनल हाईवे से लेकर आता है। मैंने कुंभलगढ़ वाला डाल के उधर से आया हूँ तो ये नेशनल हाईवे 27 पर आ गए। अब सीधा जाएगा उदयपुर। इंडिया का वेनिस ऑफ इंडिया है, द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। तो हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। बस मैं सीधा जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। मैं मार्च में आया था लास्ट टाइम, तब भी यही रुका था, वही जा रहा हूँ। और शहर में हमने एंट्री ले ली है, मेन शहर अभी आगे आएगा। जैसा कुछ उसकी ट्रैक्शन के पास से निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये शहर में एंट्री हो गई है, वैसे तो अंधेरा होने ही वाला है। तो मैं बस पहुंचने वाला हूँ 10-15 मिनट में हॉस्टल, तो आपको दिखाते हैं। बाकी सारा उदयपुर के दर्शन कल होंगे आपको। जो तो पहुँच गए थे डॉर्मेट्री में अपने हॉस्टल में, तो बस इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। और कल मिलेंगे नई राइड पर जो करेंगे उदयपुर से चित्तौड़गढ़ और फिर पुष्कर के लिए। ये मेरे डॉर्मेट्री है, 18 और 20 बेड्स डॉर्मेट्री है, 300 ओनली। ये मेरा बेड है, लैपटॉप वगैरह सब लगा दिए डाटा रिकवरी पर। और बस अब अभी वो डाल दिया मैंने ब्लॉग, अब वो नया ब्लॉग चेक कर सकते हैं। और बस अब थोड़ी सी करेंगे एडिटिंग और फिर सोएंगे। कल सुबह भी 8 बजे तक निकल देंगे, कुछ 8, 8:30 या 9 बजे तक मैक्स। थोड़ा लेट भी निकले तो 9 बजे तक निकलेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी राइड नहीं है। 100 किलोमीटर चित्तौड़ है और वहाँ से 150 है पुष्कर। बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आपको मेरी राइड पसंद आई हो, मेरा ब्लॉगिंग स्टाइल पसंद आया हो, कुछ बताना हो, कुछ कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कुछ सजेशन हो, कमेंट हो, सब कर सकते हैं। और अगर मेरा ब्लॉगिंग स्टाइल पसंद आया तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं कल।